अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे अरक बनाने की रेसिपी सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट से। इसके लिए हमें चाहिए होगा टी पाउडर और एक कप शुगर। आज हम गुड़ का, जैगरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट से ज्यादा अरक किस तरह बनाएं आज हम देखेंगे। क्योंकि बहुत ही जल्द ईद आने वाली है, छोटे से ही बाउल में या टीन के डिब्बे में या इस तरह का सिल्वर का डिब्बा जो भी रहा छोटे, उसमें हम ज़्यादा अरक किस तरह निकालेंगे देखेंगे। ये देखें सिल्वर का डिब्बा जो मेरे पास है, और अंदर रखने के लिए ये ब्रेकेबल कप, और जो बेस के लिए नीचे रखने के लिए स्टैंड होता है उसके लिए मैं ये जो दिया के छोटे होते हैं वो उसको रखी, उसके ऊपर मैं इस तरह कप को रखूँगी। ठीक है, अब हम सेट करके सेंटर में इसको साइडों से हमारा मिक्सचर जो हमने मिक्स किया हुआ था वो डाल देंगे। उसके बाद हम सेंटर में कप रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अरक उबल रहा है, एक ड्रॉप भी हमें ना नहीं निकला अरक, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमें ज़्यादा अरक की ज़रूरत नहीं है, बट घर के लिए हम किस तरह प्रिपेयर करें। क्योंकि घर में 3 से 4 मेंबर्स ईद के लिए नेल्स मेहंदी की ज़रूरत होती है, दोनों हाथों दोनों पैरों के लिए, तो इसलिए सिंपल प्रोसेस में घर के लिए किस तरह प्रिपेयर करें ये वीडियो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। घर में 4 से 5 मेंबर तक इस रेसिपी को यानी इस तरह प्रिपेयर करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम गुड़ यूज़ करेंगे तो फिर से उबलने के डर होता है। अगर हम बड़े से बड़े बाउल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि घर के लिए है, सिंपल प्रोसेस होना चाहिए, इसीलिए इस तरह आप लोग इस ईद पर ट्राई कीजिएगा। ये देखें सेंटर में कप रख देंगे। मैंने इसीलिए नीचे स्टैंड की तरह रखा क्योंकि कप की पोजीशन थोड़ा अप हो जाए। तो ये देखें ऊपर रख रही हूँ मैं ओल्ड कढ़ाई, इसकी स्टोरी भी बोलती हूँ। ये बहुत पुरानी कढ़ाई है, इसको मैंने फेंकने नहीं दिया, ये मेरे हर बाउल पे सेट होती है इसीलिए मैं रख ली। अगर आप लोगों के पास इस तरह के कोई भी बाउल्स हो, बस जो उसका बेस होता है वो थोड़ा राउंड शेप में रहे, उस तरह देखकर हमारे टीन के डिब्बे पे सेट हो जाए। ये कढ़ाई मेरे ऑल बाउल्स हो चाहे डिब्बा हो, इसका जो बेस है वो ओवल शेप यानी एग के शेप का रहता है, इसलिए अच्छा बैठ भी जाता है और अरक आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको प्रिफेयर करती हूँ, और दूसरा रीज़न कुछ नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो इसके रिप्लेस में आप जैसा मैंने बताया बॉल उस तरह रख लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर पानी को फिल करेंगे, हाफ कढ़ाई तक फिल कर दीजिएगा, ज़्यादा भी नहीं। आप लोग पूछ रहे थे कि फ्लेम को किस तरह रखें, तो एकदम लो फ्लेम पर ही रख दीजिएगा 15 से 20 मिनट के लिए। बीच में हम चेक करेंगे, जस्ट 5 मिनट्स के बाद मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ये देखें कितना लाइट कलर में आ रहा है, एकदम डिकाशन की तरह लाइट कलर में, और बहुत टाइम लगेगा अरक आने में, इसीलिए हम इसको ऐसे ही 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। यस, देखें फाइनल में माशाल्लाह कितना बेहतरीन अरक आया, और हमारा मिक्सचर जो है वो भी अच्छे से पक गया। कंप्लीट से ठंडा होने के बाद ही निकाल दीजिएगा। ये देखें इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है, आप कौन सा भी एक उड़न या स्टील का स्पून लेके ब्रेक कर दीजिए। ये देखें किस तरह नीट हो गया है। दोस्तों आप लोग कहते हैं कि हमारे बर्तन जल गए, हमारे बाउल ख़राब हो गए। हाँ जलते हैं, सही बात है, बट हम फिर से इसको रिमेनिंग अरक बनाने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, यानी खाने पीने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ये देखें ग्लास इसकी किस हाल हो गई, इसको हम पानी में 1 से 2 घंटा भिगा के रख देंगे, ये भी नीट हो जाएगा। मैं हर एक वीडियो में ये क्लिप आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हमारे बर्तन ख़राब हो गए, हमारे मम्मी ने गुस्सा कर लिया, ऐसा था वैसा था बेकार था। तो दोस्तों नहीं ख़राब होंगे, हाँ ये बात है कि अरक के लिए सेपरेट रख दीजिए, फिर से उसको वॉश कर लीजिए, आपको रिमेनिंग फिर से अरक निकालने के लिए ही रीयूज़ कर सकते हैं। अब आ गया है हमारा अरक, देखे कितना बेहतरीन निकला हुआ ये अरक। यस, ये है 60 ml का कप, यानी एट ए टाइम हम 60 ml का अरक निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों नेल्स मेहंदी किस तरह बनाते हैं, हम किस तरह अप्लाई करते हैं, आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में शेयर कर चुकी हूं। बट अगर कोई भी नए हैं, अभी पहली बार आए हैं, तो वो लोग देख लीजिएगा। अरक के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमें मैदा को मिक्स करना होगा। तो देखें इस तरह उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा लूज नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं, इस तरह रख लीजिएगा। क्योंकि हाँ, पहले ही समर सीज़न आ रहा है, अगर हम ज़्यादा नेल्स मेहंदी होना ये सोच के हम ज्यादा मैदा डाल देंगे तो पेस्ट और टाइट हो जाएगा। जितना मैदे की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना स्टेन डार्क नहीं आएगा, इसीलिए आप अरक की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रख लीजिएगा, मैदे की क्वांटिटी थोड़ा कम कर लीजिएगा। इसका मतलब पेस्ट की क्वांटिटी थोड़ा लूज रख ले। इतना लूज दिख रहा है बट थोड़ी ही देर में, यानी हम फ्रिज में स्टोर करके एक से दो बार लगाते ही फिर से पेस्ट टाइट हो जाएगा। इसीलिए आप पहले ही ज्यादा से ज्यादा मैदा को ऐड मत कीजिए। तो यस, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह कोन्स, यानी कौन सा भी एक प्लास्टिक कवर को फोल्ड करके कोन फिल करके बना लीजिएगा। ये देखें बहुत ही लंबा सा यानी बड़ा साइज वाला कोन बन गया। नहीं, अगर आप लोगों को कोन बनाना नहीं आता, सब कुछ रिस्क दिखता, अगर आप ये सोचेंगे तो आप इस पेस्ट को कौन से भी एक छोटे से टिप्परवेयर बॉक्स में, यानी एयर टाइट कंटेनर रहे उसके अंदर पेस्ट को स्टोर कर लीजिएगा। बट पेस्ट को इसी तरह मत छोड़ें, हाँ दोस्तों, वरना सूख जाने के चांसेस होते हैं। चाहे इस तरह बॉक्स में रख लीजिए या कोन प्रिपेयर कर लीजिए। तो जी ये देख लीजिए, जो हमने पानी में भिगा के रखा हुआ था कप, इसको हम बस 3 से 4 घंटे भिगाने के बाद थोड़ा सा वॉश कर लीजिए, कितना नीट हो गया फिर से रीयूज करने के लिए। तो हाँ दोस्तों, सूख जाने के बाद स्टेन देखेंगे आप। आप लोग पूछ रहे थे ना कि नेल्स मेहंदी को लगाने का प्रोसेस क्या है, कौन से टाइम पे लगाना है। तो दोस्तों नाइट टाइम अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि डे टाइम पे हम इधर उधर कामों की वजह से जो भी लगेगा पेस्ट फिर से इधर उधर लग जाने के चांसेस होते हैं। नाइट टाइम लॉन्ग टाइम होता है, यानी अप टू मॉर्निंग तक हमारे हाथों पर स्टे करके रहता है, इसीलिए 3 से 4 दिन, यस 3 to 4 days हम डेली नाइट टाइम हमारे नेल्स पर लगा लीजिएगा, बहुत ही डार्क स्टेन आएगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को घर पर अरक प्रिपेयर करना रिस्की दिख रहा है या आप वर्किंग वुमेन्स है तो ऑनलाइन अरक बाय करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों की आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी या अबाउट सेक्शन पर भी मिल जाएगी। तो ये देखें कलर, अगर आप लोगों को और भी डार्क से डार्क चाहिए तो और एक से दो बार लगा दीजिएगा, और भी डार्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो से हेल्प हो जाए। वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प दिखी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जोया की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ईद का सीजन है, नेल्स मेहंदी मेहंदी के रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहूंगी। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मैं हूँ आपकी जोया, अल्लाह हाफिज़।